चलिए देखा जाए, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे खेल पर आधारित विधियाँ, खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ, उसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिएगा, पढ़े थे मोंटेसरी शिक्षण विधि। मोंटेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, इसमें बालक को समूह में मिलकर पूर्ण रूप से कोई कार्य करता है, और प्रोजेक्ट विधि के निम्न बिंदु है, उस पर आपको ध्यान देना। पहला, परिस्थिति का निर्माण, समस्या का चयन, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये सब प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आता है। आगे आपको पढ़ना है डाल्टन प्लान विधि। डाल्टन प्लान विधि में छात्रों को काम सौंप दिया जाता है और छात्र प्रयोगशाला के रूप में अपनी अपनी कक्षाओं का ही प्रयोग करते हैं। बालक स्वतंत्र रूप बगैर समय चक्र के अपने अपने कार्य को अपनी अपनी क्षमता, योग्यता स्तर आदि के अनुसार दिए गए कार्यों को पूर्ण करते हैं। छात्रों ने किस प्रकार की उन्नति की उसके बारे में एवं पथ प्रदर्शन के लिए शिक्षक देखरेख करते हैं। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्य करता है। इस विधि का सही आधार भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा बालक में आत्मविश्वास, आत्म प्रदर्शन, स्वशिक्षण, सामूहिक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण आदि की भावना का विकास होता है। इसलिए बालक इस विधि से खेल खेल ही में बहुत सी बातें सीख जाता है। इस विधि का प्रतिपादन जो है लेडी हेलन, डाल्टन विधि का जो प्रतिपादक है लेडी हेलन पार्क हर्स्ट द्वारा किया गया। आगे हम लोग देखेंगे हिस्टेरिक विधि, यह भी खेल आधारित विधि है। यह पद्धति आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये जो पद्धति है आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इस पद्धति में बालक शिक्षक यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान का अर्जन करता है। नन का कथन है कि हिस्टोरिक पद्धति का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषक की स्थिति में रखना है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से खेल विधि है, हिस्टोरिक विधि। और सारे मेथड है उसको देखेंगे। खेल पर आधारित अन्य विधियां है। उपयुक्त विधियों के अलावा भी अन्य बहुत सी विधियां एवं क्रियाएं हैं जिनके द्वारा बालक को विद्यालय में हम खेल खेल में बहुत सी बातें एवं विषयों को संबंधित ज्ञान सिखा देते हैं। अभिनय विधि, बुनियादी विधि, बेसिक शिक्षा विधि, विनिरेक योजना विधि, बालचर प्रणाली विधि, एनसीसी, धर्मन, स्वस्थ, हैविज क्लब, विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं एवं शैक्षिक खेलों आदि से छात्राओं को खेल खेल में ही हम क्रियात्मक रूप में शिक्षा दी जाती है। ये सारी जो विधियां है खेल पर आधारित थी। आपको पिछले क्लास में बताए थे हम मोंटेसरी विधि, जो कि छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे खिलौने के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन विधि, इस विधि में बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक गार्डन में खेलने की अनुमति और घूमने फिरने की अनुमति दी जाती है, जिससे बालक को इससे भी शिक्षा दी जाती है। प्रोजेक्ट विधि, इसमें समूह में बालक द्वारा कार्य कराया जाता है। इसके मुख्य बिंदु है परिस्थिति का निर्माण, समस्या का चयन, योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन। डाल्टन प्लान विधि आप बता रहे हैं अभी। डाल्टन प्लान विधि में छात्रों को काम सौंप दिया जाता है और बालक स्वतंत्रता पूर्वक बगैर समय चक्र के अपने अपने कार्य में अपनी क्षमता, योग्यता स्तर आदि के अनुसार दिए कार्य को पूर्ण करता है। इस विधि का सही आधार भी कहा जा सकता है। और इस विधि से बालक में आत्मविश्वास, आत्म प्रदर्शन, सामूहिक शिक्षण, स्वशिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण आदि की भावना का विकास होता है। इसका प्रतिपादक जो है लेडी हेलेन पार्क हरस्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे फिर नेक्स्ट क्लास में अगर हमारी चैनल अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द
जो भी वो वीडियो हो आपको प्राप्त हो सके और नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।